अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर आप दी खिदमत दे विच अज दा पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच एक जानकारी सांझी करांगा जिस दे बारे कई बार पुछया गया कि सानू सुपने दे विच सपना जिहड़ा आउंदा है इहदा की कारण हो सकदा। देखो, जदों भी कोई ऐसा कारण जां ऐसा काम अपने नाल हुंदा है, सुपने दे राहीं संकेत आपां नूं मिलदा है। तो इसलिए पुराने समय के की होंगे कि जो किसी ने कोई सुपना आता सी तो तबीर की जाती सी, बारे दसिया जाता सी कि ये सुपने आने का की कारण है तो यदा आपां नूं की करना चाहिए। क्योंकि आपां जो लोग हाँ, दुनियावी लोग, तो सानू साड़ी अख नहीं है कि असी रब्बे करीम दे नाल गल कर सकीए जां उन्हां दे इशारे नूं समझ सकीए। इसलिए फिर किसी पीर फकीर वालों जो तुहानूं कोई संकेत दिता जाता तो वह संकेत फिर सुपने के आकर दसिया जाता। तो अक्सर असं देखते हैं कि सानू सुपने राही बहुत सारे संकेत मिलते हैं, पर कई बार ऐसे दोस्तों के बड़े मैसेज आए जिहड़े कहिंदे कि सानू सुपने में पहला सब कुछ पता लगता सी पर हुण कुछ भी पता नहीं लगता। उहदा कारण की है कि जो सानू कोई ऐसा सुपना आता जिहदे विच सानू किसी पीर फकीर दे दीदार होए जां सानू कोई दरगाह दिसदी है जां साडे नाल कोई फकीर आके गल्लां करदे ने, ते असीं उस गल नूं जदों असीं आम कर दिंदे आ किसी नूं दस दिंदे आ ते फिर साडे लई कई वारी नुकसान दा कारण बन जांदा, मुड़ के उह चीज़ साडे नाल नहीं हुंदी। ते आओ हुण असीं गल करदे आ अज दे वीडियो दी कि सुपने दे विच अगर जे सानू कोई सनेक दिसे, सप दिसे, ते सानू की करना चाहीदा। दो कारण करके सानू यह गल्लां हुंदियां ने। पहला आप चंगे कारण की गल करते हैं कि जे सानू सुपने दे विच सनेक आ गया, साडे अगे चल रहा है जां साडे कोल है पर सानू क्या कुछ नहीं, तो कई बार इदां हुंदा कि सानू जे सुपने दे विच एक संकेत यह हुंदा मिलदा कि साडे लई धन दी प्राप्ति हो सकती है, साडा कोई लाभ हो सकता है। क्योंकि ये जो बजुर्गों ने गल्लां दस्सियां आपां उही तुहाडे नाल साझियां करनियां, क्योंकि हर एक चीज़ का सुपने के आना चंगा हों तो एक माड़ा हों। तो कई तो यह भी मैं पढ़िया है कि जो ये सप्प को एक भगवान के रूप से पूजते हैं तो एक शैतान के रूप से पूजते हैं, कि जो भी कोई खबलीस आता तो वह सप्प का रूप बना के थानू आके डरा सुपने के तंग करता, परेशान करता, तो जिद करके तुम अपने म जिंदगी दे विच फिक्रमंद हो जाते हैं कि साना बार बार इदा क्यों हो रहा। कई बार असीं कोई गलती की होंगी है वो वालों सानू ये चीज़ की परेशानी आती है, कई बार असीं किसी दरगाह के उपर जाके कोई गलती की होंगी है वो सानू ये परेशानी आती है, कई बार असीं की होंदा है कि असीं किसी नूं मंदा बोल दिंदे सुधारने। एक ना छोटी जी गल हुई, एक 15-20 दिन पहलां दी गल है, तो ये की होया कि एक मुंडा सी वो अचानक किसी दरबार के उपर जाके सेवा करता हुंदा सी, ते एक दिन उत्थे साधु आए, जो साधु आए तो उस व्यक्ति ने कहा भी साधुओं नूं तुसीं की खाना पीना दसो, तो उन्होंने वो सेवा खाना पीना जो भी सीगा साधुओं के कोलों वो साधुओं नूं कहा, तो साधुओं ने खाधा पीता तो साधु उत्थों चल गए। तो वो मुंडा कई दिन सेवा करता आ रहा, कई साल पहला हो गया फिर भी आता रहा, तो वह यदि ना किसी होर दरबार से गया तो उत्थे जाके उन्हें ना सेवा की किसी के नाल गया, तो उत्थे जाके ना मंदे बोल बोल आया, इत्थे की आ कुछ भी नहीं गया, एवें इट्टां पईआं ये की आ। तो जो इदा की जो मुंडा घर आया तो वह इन्ना ज़्यादा परेशान हो गया कि ना उन्हें रात को नींद आवे तो ना उन्हें दिने कितें टका मिले, कभी बाहर जाए कभी कितें जाए, तो ऐसी ठंड के भी वो अपने कपड़े लाल सीते। फिर जो किसी ने उन्होंने किसी तो पूछा तो उन्होंने दसिया भी ये किसी फकीर नूं कोई मंदे बोल बोलिया, वो गलती हो गई, तो वह भी यही चीज़ कह रहा है, कहते मैं सनेक दिस रहा है, मैं अखा बंद करा, मैं डर लगता, मैं कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कि असी सधारण बोल दें। एक निक्की जी गल समझना है कि जे स्थान के उपर रब का कोई निशान बनया है, कोई धर्म हो तो वो निशान बनया है, यदा मतलब उस थान पर परमात्मा की जिहड़ी होंद है वह बाकियों नालों ज़्यादा आ, तो असी उस चीज़ को समझ नहीं सकते, साडी अख है नहीं, असी कह नहीं सकते कि ये चीज़ सानू इत्थे मंदा बोलना चाहिए जां की बोलना चाहिए। तो जो सानू मुकदी गल यह है कि जो असी कोई गलती परेशानी जिंदगी दे विच करते हैं तो साडे सामने सनेक का आना लाजमी हो जाता,
ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਨੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਮੁਕਾ ਲਈ ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।